हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपी की रसोई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्टार्टर जो कि है पनीर टिक्का। यहाँ पर पनीर टिक्के को ना ही मैंने ओवन में बनाया है और ना ही तंदूर पे बनाया है। आज मैंने ये बनाए हैं एक तो ग्रिल पैन में और दूसरा गैस पर। आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस स्टार्टर को बेहद आसान तरीके से बना सकते हो और घर पर झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 शिमला मिर्चों का इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने पीली रंग की शिमला मिर्च ली है, साथ ही में लिए है लाल रंग की शिमला मिर्च और हरे रंग की शिमला मिर्च, साथ में लिए है मैंने यहाँ पे 2 प्याज और 2 टमाटर। तो चलिए इन्हें काट लेते हैं। तो शिमला मिर्च को हम यहाँ पर क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने बाकी शिमला मिर्चों को भी काट लिया है। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ टमाटर को। टमाटर के इस बीच वाले पार्ट को हमें अलग करना है इस तरीके से, और ये इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब मैं कट कर रही हूँ प्याज को। तो प्याज को हमें 4 हिस्सों में बांटना है इस तरीके से। अब इसके बाद हमें इसे इस तरीके से सिंगल सिंगल पीस को इस तरीके से खोलना है, ये आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को क्यूब्स में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च जो मैंने ली थी उनका मैंने आधे आधी शिमला मिर्चों का इस्तेमाल किया है और एक ही टमाटर का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो जितनी मैंने शिमला मिर्च आपको दिखाई थी उतनी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब कर लेते हैं मैरिनेशन की तैयारी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है दही। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, चुटकी भर हल्दी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 नींबू का रस। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हम इस तरीके से सभी मसालों को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियों को और इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो अब हम कट कर लेंगे पनीर को क्यूब्स में। तो इस तरीके से इक्वली हमें इसे कट करना है। अब मैं इन्हें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से, और बाकियों को भी हम कट कर लेंगे। अब हम पनीर को भी इसमें ऐड कर लेंगे और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत आराम से हल्के हाथों से मिक्स करिएगा ताकि ये पनीर के पीसेस टूटे ना। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें इसे ठंडी जगह पर रखना है तो हम इसे रखेंगे फ्रिज में। तो यहाँ पर 1 घंटे का समय हो चुका है और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बारबेक्यू स्क्यूअर्स। तो अब स्क्यूअर में हम इसे एक एक करके लगाना शुरू करते हैं इस तरीके से। पहले मैंने लगाया प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पनीर, और इसी तरीके से हम इसको रिपीट करेंगे। और ये हो गया हमारा पहला तैयार। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी स्टिक भी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन रख लिया है और मैं बटर से इस तरीके से इसमें बटर लगा रही हूँ। तो एक एक करके मैं यहाँ पर इनको रख रही हूँ। कुकिंग
ऊपर से इनमें हम बटर ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप इस तरीके से हाथों को घुमाकर गैस पे भी इसे पका सकते हैं। अब यहाँ पर बीच में हम इसमें बटर लगाएंगे चारों तरफ से और इसको हम इस तरीके से पका लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ से ये पक चुका है। अब इसमें हम फिर से बटर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें हल्के हल्के हाथों से उसे घुमाना है और आँच को तेज नहीं रखना है। तो हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों तरफ से पक चुका है। तो अब इसे इस तरीके से रखेंगे। और साथ ही साथ इसमें हल्के हाथों से बटर भी लगाते रहना ताकि ये पकता रहे। पनीर टिक्का चारों तरफ से पक चुका है। तो चलिए इसे कर लेते हैं सर्व। तो तैयार है यहाँ पर हमारा पनीर टिक्का। तो आपने देखा ये बनाना बेहद ही आसान है। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।